गुड मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम टू नवनीत एकेडमी बच्चा। अब हमने अपना डाइजेशन का पूरा टॉपिक तो ख़त्म कर लिया, दैट इन यूनिसेलुलर कैसे डाइजेशन होता है, इन मल्टीसेलुलर कैसे डाइजेशन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, दैट मीन्स हमारा सांस लेना, हमने ऑक्सीजन का जो हम इनहेल करते हैं उसका हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज होना। नाउ वी विल रीड द एक्टिविटी 6.4। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे हम लाइम वाटर नींबू पानी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा लाइम वाटर होता है। नाउ ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इसके अंदर अब हमें एयर ब्लो करनी है। नोट हाउ लॉन्ग इट विल टेक द टाइम फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश वाटर टेकन इन अदर टेस्ट ट्यूब। यानी आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। हियर वी हैव द टू टेस्ट ट्यूब्स, जैसे डायग्राम में बता रखा है, दोनों में लाइम वाटर है। इसके अंदर हमने पिचकारी से हवा ब्लो की, इसके अंदर हमने जो एक्सहेल किया उससे ब्लो किया। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, नाउ कितना टाइम लगाएंगे ये मिल्की होने में, ये चेक करना है, ठीक है। व्हाट डज इट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रेथ आउट? जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, इसमें इस पिचकारी से कौन सी हवा आई? एयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे सराउंडिंग में है। कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके अंदर बताइए? 1% में सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है। इसमें अलग 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 आपकी गैसेस भी होती हैं, आर्गन हो गई, जैसे मिथेन हो गया, है ना, और डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स हो गए, फॉग हो गई, और इसी में ही हमारी CO2 होती है। बट जब आप एक्सहेल करते हो तो आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2, एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 9th, व्हाट दैट लाइम वाटर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद लाइम वाटर इट टर्न्स इट इनटू मिल्की, है ना, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की लाइम वाटर बन जाता है। सो एज इन पिचकारी ब्लोज लेस अमाउंट ऑफ CO2 इन कंपेरिजन टू अवर एक्सहेलेशन। सो बेटा, अब जब आप एक्सहेल करते हो तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो किसका ज़्यादा टर्न लिमकी होगा, सॉरी मिल्की होगा? जिस ट्यूब में हम एक्सहेल करेंगे वो जो लाइम वाटर है वो ज़्यादा मिल्की हो जाएगा। गेट इट? तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। वन इज़ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की when it combines with carbon dioxide, and the second thing, we exhale more carbon dioxide, or we can say we exhale carbon dioxide. Now moving to 6.5 activity. Take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to it. अब हमें क्या करना है? फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लेना है, बेसिकली कोई भी मीठी चीज़, और उसमें हीस्ट डाल देना है। और हीस्ट डालने के बाद क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में उसको फिट कर देना वन होल कॉक के साथ। यानी ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर हमें क्या कॉक लगा देना है, और यहाँ पे एक होल होना चाहिए। नाउ फिल द कॉक विद अ बेंट ग्लास ट्यूब। अब यहाँ से एक ग्लास ट्यूब लेनी है जो बेंडेड हो। अब उसको एक फ्री एंड से ग्लास ट्यूब में टेस्ट ट्यूब की हेल्प से बेसिकली यहाँ पर लाइम वाटर डालना है, और यहाँ पर इसको उसको ग्लास ट्यूब को अंदर डाल देना उसके। अब क्या चेंज आएगा उसके अंदर आफ्टर सम टाइम, और कितनी देर बाद वो चेंज आया, और इससे आपको फर्मेंटेशन के बारे में क्या पता चलता है, ये बताना है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। सी, हमें कुछ ऐसा करना है। देखिए, इसके अंदर हमारा क्या है, हीस्ट है, और साथ ही साथ फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन है। अब ये टेस्ट ट्यूब में से देखो, ये एक फनल है बेसिकली, और यहाँ पर ये जो ट्यूब है वो एक
बेंट ट्यूब है, एक बेंट ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिकली केमिकल फॉर्मूला और यू कैन से केमिकल नेम ऑफ वॉट या योर लाइम वॉट। ओके अच्छा, अब जैसे ही ये यीस्ट किसके साथ, शुगर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा, तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। याद है फर्मेंटेशन क्या होता है? वेरी गुड, फर्मेंटेशन तब होता है जब यीस्ट जो है वो क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी इस ग्लास ट्यूब में, यहाँ से वापस नीचे आएगी इस टेस्ट ट्यूब में, आएगी इस टेस्ट ट्यूब में है मेरा लाइम वाटर, एंड व्हेन लाइम वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स मिल्की। ये चीज़ हमने अभी देखी, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है बेसिकली, दैट यीस्ट ऑल्सो रेस्पायर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यीस्ट भी जो होते हैं वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम भी क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे पढ़ते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म द लास्ट सेक्शन, पढ़ा हमने पूरा कैसे हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं और फिर कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का। Now the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. किसी भी life process को continuation में करने के लिए आपको energy की need होती है। You can't even digest your food. जब आपका पूरा system हिल जाता है, जब आप बीमार पड़ जाते हो, you don't have enough energy to even digest your food. है ना? So diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down the glucose completely into the carbon dioxide and water, and some use other pathways that do not involve oxygen. अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कैसे, सबसे पहले आप लोग इस लाइन का मतलब समझिए, हम लोग ना अगर ऑक्सीजन ले सकें तो क्या होगा, वी विल डाई, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बेसिक नीड है भाई, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो सांस नहीं लिया जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करता है हमारी बॉडी में, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, यानी हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट है, जो फूड की एनर्जी है, उसको किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 carbon molecule into the 3 carbon molecule called the pyruvate. अच्छा, पहले डायग्राम से समझते हैं इस बात को। See, here we have the diagram. ये different pathways बता रखे हैं ग्लूकोज जिसे ब्रेक डाउन होता है इन different organisms, इन different cases. जैसे ये ग्लूकोज, अभी हमने पढ़ा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस ग्लूकोज में, है ना? अब ये ग्लूकोज जो है ये हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अब ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स 3 केसेस में स्प्लिट किए गए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिस केस में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है किसी ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए, और वो केस कौन सा है, यीस्ट का केस है। यीस्ट को ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती है तो वो किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बचा, अभी हमने देखा कि यीस्ट जो है वो क्या करता है, एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ एथेनॉल एंड एनर्जी तो रिलीज होती होती है। नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज जहाँ पे कमी होती है ऑक्सीजन की, एब्सेंस नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, ये कम अमाउंट में है, बट बिल्कुल भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। और ये केस कहाँ पर होता है, इन अवर मसल सेल्स, क्रैम्प पड़ जाते हैं ना, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा
एनर्जी ऑक्सीजन आपकी उस मसल ने यूटिलाइज कर लिया होता है हैवी एक्सरसाइज जब आप कर लेते हो तो उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी आपको बोला जाता है कि अगर क्रैम्प्स पड़ गए हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में, सो आप क्या कीजिए, मसाज कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे लैक्टिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर वो क्रैम्प ठीक हो जाता है। मसाज कर लो, हॉट वाटर से बाथ ले लो, ठीक है, हॉट वाटर का सेक कर लो। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन बिल्कुल होती है वहाँ पर, और ये केस हम एनिमल्स में होता है, और ये कहाँ पर, इन माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अवर सेल। सो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर बच्चा ऑल्सो, एंड एनर्जी तो रिलीज होती होती है। एनर्जी सब में आएगी, अदरवाइज वो जीवित कैसे रहेंगे। अच्छा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीस्ट में जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन अवर मसल सेल्स लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, एंड इन ह्यूमन बींग्स प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गेटिंग? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, C6H12O6। अब ये कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहले ये कितने में, C3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन व्हेन कन्वर्ट्स इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन व्हिच टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड पायरोवेट। नाउ फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर, यीस्ट के अंदर, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। हमने अभी पढ़ा, जब फर्मेंटेशन हमने ऊपर एक्टिविटी 6.2 में की थी, सॉरी 6.5 में की थी, सो क्या हुआ था, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या हुआ था, CO2 रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, और हमें कैसे पता चला था वो गैस CO2 है, क्योंकि उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी हमारे लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया था। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच वी डू नॉट नीड, सॉरी वी डिड नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी उसी पायरोवेट का ब्रेक डाउन होना कहाँ पर, बट माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स फर्स्टली पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, C6 कन्वर्ट इन टू द C3 इन माइटोकॉन्ड्रिया, आफ्टर दैट CO3 में, यानी सॉरी CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं। सो द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, किसके अंदर होता है ये, हम ह्यूमंस के अंदर होता है जब हम रेस्पायर करते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, जबकि द प्रोसेस विच इज टेकन प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज लॉट ग्रेटर देन इन एनरोबिक प्रोसेस, यानी इन एनरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बताइए ज़रा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टेक प्लेस करता है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इज टेकन, और वो कौन सा है, जब पायरोवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स ड्यूरिंग अ सडन एक्टिविटी कॉजिंग क्रैम्प्स, अभी मैंने जिसको समझाया। तो ये बेसिकली हमारे 3 पाथवेज थे,
पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट टेक प्लेस इन आवर मसल सेल्स विच कॉजेस क्रैम्प्स, एंड द थर्ड केस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. नाउ व्हाट एटीपी स्टैंड्स फॉर बताइए, आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. यस, एटीपी स्टैंड्स फॉर यस एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल. दैट मीन्स ये हमारी सेल का फ्यूल होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. इन दिस प्रोसेस एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैन बी ड्रिवन एज एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. दैट मीन्स विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी. ओके, मूविंग फर्दर, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देर इज सफिशियंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज आप हाँफने लग जाते हैं. ठीक है, आपके अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंचती है तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. इसीलिए हम जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जानी चाहिए. वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. यस, बिल्कुल होते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर. पढ़ाया ना डिफ्यूजन आप लोग ने 9th क्लास में, जो क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसके अंदर हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे. उसके कौन कौन से बताइए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. नाउ हाई कंसंट्रेशन टू बेसिकली वो क्या जाते हैं, लो कंसंट्रेशन जाते हैं. नाउ दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम और आउट इनटू द एयर. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट. ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वो हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी होता है और आइसोटोनिक भी हो सकता है. दैट मीन्स अंदर और बाहर कहीं पर भी नहीं जाना, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना. एक में जहाँ पर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर के हिसाब से, तो क्या होगा, जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा. दैट मीन्स अंदर मटेरियल चला जाएगा, एयर चली जाएगी यू कैन से. और थर्ड केस हमारा कौन सा है, जिसके अंदर जो अंदर का मैटर है, अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर का कम है. तो क्या होगा अगर अंदर का ज़्यादा है तो, इनसाइड द सेल, यस, तो जो स्वेल है वो श्रिंक अप हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ उसका डिफ्यूजन हो जाएगा, बाहर भेज देगा वो. नाउ एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेट्स इन द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे. CO2 जनरेट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. इसीलिए हमें कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक पर जाया कीजिए. मॉर्निंग वॉक पर जाने से क्या होगा बताइए, मॉर्निंग वॉक पर जाने से ये होता है कि आपका जो प्लांट्स हैं उस वक्त, जो ट्रीज हैं, वो उस वक्त O2 रिलीज कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को सफिशेंट अमाउंट ऑफ O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. क्यों? क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी होता है. ठीक है, नाउ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट.
और फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब हम एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनटेक करने के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एंड बाहर भेजने के आउटटेक करने को कार्बन डाइऑक्साइड। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम ऑर्गेनिजम्स तो क्या करते हैं जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं, सांस अंदर ली, सांस छोड़ दी, ब्रीथिंग हो गई हमारी। तो अब ये जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाएगी तो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, हम तो एयर में से ले लेते हैं। बट जो एनिमल्स किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, सी एनिमल्स, वो कैसे लेंगे भाई बताइए? वो तो उनको तो वो पानी में से लेनी पड़ती है ऑक्सीजन। पानी में से कैसे लेंगे भाई? अरे बहुत सिंपल है, H2O है हमारा वाटर। अब H2 और O, ये वो क्या है? ऑक्सीजन। तो यानी इसको वो ब्रेक डाउन करके इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट अस रीड एक्टिविटी 6.6। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में फिश को बेसिकली ऑब्जर्व करो। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आइज जो होते हैं ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ और गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर? थोड़ा बहुत होता है बेटा ये कोऑर्डिनेट। अब ये ओपन और क्लोज अपना माउथ क्यों करते हैं बच्चा? जो फिश होती है वो ओपन और क्लोज अपना माउथ क्यों करती है? क्योंकि उसे वो वाटर से ऑक्सीजन लेनी होती है, इसलिए वो वाटर अपने अंदर लेती है और फिर उसको यूटिलाइज करती है, फिर दोबारा मुंह खोलती है, फिर अंदर लेती है, ऐसे ऐसे करती है ना। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स कि फिश कितनी बार ओपन एंड क्लोज करती है अपने माउथ को इन वन मिनट। मैंने किया था अपने एक्वेरियम के उसमें, और कितनी टाइम्स किया था बेसिकली उसने? 85 टाइम्स। बेसिकली एक फिश जो होती है वो वन मिनट में अराउंड 80 to 100 टाइम्स क्या करती है बताइए? यस, अपना माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है वाटर को अंदर लेने के लिए। अब हम कितनी बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ज़रा देखो। एक मिनट में इसको पॉज करो ज़रा इस वीडियो को और चेक करो आप कितनी बार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हो। किया चेक, कितना आया? मेरा तो 15 आया, मैं तो 15 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती हूँ। आपका क्या आया? ओके, ज़रा मुझे बताना। अच्छा, अब एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो लगभग 12 to 20 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, जबकि एक फिश 80 to 100 टाइम्स करती है। इतना बड़ा गैप कैसे बच्चा जी, सोचिए ज़रा। बिकॉज जो वाटर में ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू द एयर। आपको पता है जो एक लीटर पानी होता है ना आपका सी वाटर सेलाइन, उसके अंदर सिर्फ 8 मिलीग्राम से ज़्यादा और 9 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन होती है। आप सोचो एक लीटर पानी में सिर्फ 9 मिलीग्राम से भी कम ऑक्सीजन। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल सॉरी जो सी एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी जो टाइम होता है, रेट होता है बेसिकली, वो हम ह्यूमन से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होता है। समझ आ गया? ओके, मूविंग फर्दर। नाउ सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, इसीलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यही बात जो मैंने आपको भी ऊपर समझाई। नाउ फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द
ब्लड। अब उनके पास लंग्स तो होते नहीं है बिकॉज उनको एयर में तो सांस लेनी नहीं होती है, उनके पास होते हैं गिल्स जो बेसिकली क्या करते हैं उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो कि पानी के साथ मिली हुई होती है उसको सेपरेट करके ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। हम तो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में उसी को यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर जो इंक्रीज करता है बेसिकली सर्फेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट। सॉरी सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सर्फेस, दिस सर्फेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलीकेट, इसीलिए वो बहुत डेलीकेट होती है। ओके क्योंकि उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस क्या होता है हमारी बॉडी में बोलो? हमारी बॉडी में रिब का पूरा स्ट्रक्चर होता है ताकि उन लंग्स को जो डेलीकेट ऑर्गन होता है बहुत एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस, और ये हमारी बॉडी के अंदर होता है इसीलिए एक पैसेज होता है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं हमारी बेसिकली। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट टू द एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, और इवन हमारे में एक कैविटी है वो आगे मैं आप लोग को समझाऊंगी कि कैसे होता है ये पूरा। ओके सी इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन अप इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, आपकी नाक की जो नलियाँ होती हैं इन नोस्ट्रल्स से बेसिकली एयर इन जाती है एंड द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। बेसिकली आप में आपके जो नोज के हेयर्स होते हैं बेसिकली इनमें ट्रैप हो जाते हैं जितने भी डर्ट होती है या डस्ट होती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, और फिर आपको जब इचिंग होती है तो आपको छींक आती है, जब आप स्नीज करते हो तो जितना भी सारा डर्ट डस्ट सब होता है वो बाहर निकल जाता है एयर में। नाउ द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द मकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस एंड योर नोजी इज योर मकस बेसिकली, वो भी हेल्प करता है। नाउ फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट इन टू द लंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द योर थ्रॉट एंड दीज इंश्योर द एयर डज नॉट कोलैप्स, इधर उधर ना भागे बेसिकली। कैसे डायग्राम में देखते हैं, दिस इज योर नेजल पैसेज, आपकी नोस्ट्रिल होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ से एयर गई अंदर और ये है आपका बच्चा जी थ्रॉट पोर्शन। अब यहाँ पर कार्टिलेज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये क्या करती है वो एयर को इधर उधर जाने नहीं देती, एक पर्टिकुलर पाथ में वो ट्रैवल करे ये इंश्योर करती है। ठीक है सो विद इन द लंग द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड एल्वियोली, और सिंगुलर फॉर्म उसकी है एल्वियोलस। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सर्फेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बेसिकली। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। सी ये हमारा लार्नेक्स एंड फार्नेक्स है बेसिकली। लार्नेक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स आपका, जहाँ से आप बोलते हो। अब यहाँ पर ये ट्रैक किया है, अब यहाँ से आपकी जो एयर है वो जाती है आपके लंग्स में, और यहाँ लंग्स में आपके होते हैं एल्वियोली। नाउ एल्वियोली इंश्योर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये स्मॉलर एंड स्मॉलर में देखो, एक सेकेंड, सी ऐसे स्मॉल स्मॉल इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसके आगे और भी स्मॉल और भी स्मॉल और भी स्मॉल, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो वो स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल होता रहता है। और ये एल्वियोलर सैक जो है, ये एल्वियोली जो है बेसिकली, ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैस करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज। और इन्हीं एल्वियोली सैक्स में बेसिकली ब्लड वेसल्स नर्व से सराउंडेड होती हैं ये। नाउ एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायग्राम, करके देखो ज़रा,
इनहेल करते हो तो क्या होती है, रिब्स ऊपर की तरफ आ जाती है और आपका डायग्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है और योर चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। एज अ रिजल्ट आपके लंग्स में एयर फिल हो जाती है और उसकी वजह से एक्सपैंड हो जाती है कौन, एल्वियोली। नाउ द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी और वो फिर रिलीज हो जाती है एल्वियोली में, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोली एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलियर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल। आपकी आपने अपने इनहेल की, एयर इनहेल की सांस ली, चेस्ट बड़ी हो गई, एल्वियोलीज में ऑक्सीजन भर गई। अब हमारा ब्लड जो है वो क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, ऑक्सीजन दे दी एल्वियोली को, कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली। अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हमारी ट्रांसपोर्ट करने चली जाएगी एंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 मिनट सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स की बॉडी में, हमारी बॉडी के लंग्स में सॉरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कह रही हूँ, एयर प्रेजेंट होती है बेटा, कि जितना टाइम हमें इन दोनों को एक्सचेंज करने में लगा है उतने टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि आप लैक ऑफ ब्रेथ हो जाओ। बेसिकली व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज डिफ्यूजन का जो प्रेशर होगा अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि कौन है हमारा बताओ, ब्लड। बेसिकली रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यू व्हेन विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और हमारे में वो ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि अगर उसमें प्लांट्स के जैसे होने लग गया डिफ्यूजन तो क्या होगा कि भाई पूरा आपके 1-2 साल लग जाएंगे आपकी सिर्फ हेड से लेकर आपके टो तक ऑक्सीजन जाने में, और जबकि हमें तो हर एक सेकंड में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना पड़ता है ना। सो विच हैज़ अ वेरी हाई इफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो कैपेसिटी है उसके अंदर बहुत हाई है ताकि वो जितना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है ना ये पिगमेंट, इसी की वजह से तो रेड होता है बेसिकली। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ओके। एज वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है वाटर में इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन, इसीलिए जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली कैरी अप कर लेता है। सो दैट्स हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स। और उसके बाद आपकी एल्वियोली जो होती है ना उसके भी आगे क्या होते हैं, आपके ब्रॉन्चीज होते हैं बेसिकली। अब ये पोर्शन आपका ब्रॉन्चियल पोर्शन है, इसके बाद आपकी एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है, ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है बच्चा।